हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैकबोन अमित पे स्वागत है। तो एक बार फिर से हम एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। अब तक बनास के लोगों ने विकास का नाम ही सुना होगा। जब से 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हुए और जब से हमारे बनास के लोकप्रिय सांसद हुए मोदी जी, तब से विकास लगातार गति पकड़ रहा है, यानी कि बनारस में लगातार गति हो रहा है। अब तक आप सभी ने सुना होगा कि यहाँ पर कई दिनों से विकास कार्य चल रहा है लगभग हर जगह, लेकिन आपको सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सिटी रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में काफ़ी विकास कार्य हो रहा है, यानी कि रोड को चौड़ीकरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ बुरी खबर ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 20-25 घर हुआ करते थे जो कि अभी तोड़ दिए गए हैं। ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि यहाँ पे कुछ गरीब मजदूर तबके के लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब देख सकते हैं उनके सभी घरों को तोड़ दिया गया है और यहाँ से हटा दिया गया है। देख सकते हैं रोड चौड़ीकरण का काम भी किया जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। आपको बता दें, पिछले कई वर्षों से यहाँ पर कुछ मजदूर रह रहे थे, यानी कि गरीब, जो कि अपना गुजर बसर किसी तरह कर रहे थे, लेकिन जितने भी लोग थे सभी को हटा दिया गया है, घर तोड़ दिए गए हैं और यहाँ पर मंदिर के सहारे वो रह रहे थे कि यानी अगर घर तोड़ने की नौबत आती है तो मंदिर बना दिया गया था क्योंकि यहाँ तक आदमी ना पहुँचा जा सके, लेकिन मंदिरों को भी लगभग हटा दिया गया है, यानी कि मंदिर उसी जगह है और घर को हटा दिया गया है। कुछ कुछ मंदिर हैं और कुछ मंदिरों को हटा दिया गया है एकदम। देख सकते हैं कि चौड़ीकरण का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है बनारस में, लगभग हर जगह विकास की लहर दौड़ चुकी है और वही साथ साथ कुछ नुकसान भी हुआ है, यानी कि काफ़ी गलत कार्य जो कि उन गरीबों के लिए काफ़ी गलत है। और आपको बता दें कि यह गलत था जो कि हमारे बनारस में यह घटना हो चुकी है, 20-25 घर तोड़ दिए गए हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड को 6 लेन बनाने की परियोजना पे कार्य हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे पुल का निर्माण हो चुका है जो कि बाईपास आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा। यह आगे चलकर 6 लेन में तब्दील होगा, यानी कि राजघाट से आपको लेकर पूरे लहरतारा तक देखने को मिल जाएगा। फिर यह जाकर आगे एयरपोर्ट बाबतपुर वाले रोड में मिलेगा। आपको बता दें कि बनारस में पिछले कई दिनों से यह भी बात चल रहा है कि बनारस में लगभग 25 नई चौकियां खोली जाएंगी और 3-4 नए थाने भी खोलेंगे। जल्द ही आपको उसका भी वीडियो हम आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन आप हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, इससे जितने भी आने वाले वीडियो रहेंगे आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव।